भारतीय जनता पार्टी आरा विधानसभा इकाई द्वारा आज जिला समरणालय आरा पर राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत आरक्षण बचाओ नगर निकाय चुनाव कराओ एक दिवसीय विशाल धरना आयोजित किया गया। धरना की अध्यक्षता ग्रामीण अध्यक्ष अजय सिंह एवं संचालन सुशील कुमार मिश्रण के अवसर पर बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सह आरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मुख्य रूप से शामिल थे। धरना को संबोधित करते हुए अमरेंद्र प्रताप सिंह नगर निकाय का चुनाव केवल एक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हठ धर्मिता के कारण स्थगित किया गया है। यदि मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के बातों को अमल किया होता तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के हक के साथ हकमारी नहीं होती और चुनाव भी समय से होता। महागठबंधन में शामिल दल जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उन्हें अच्छे ढंग से ज्ञात होना चाहिए कि लालू प्रसाद ने अति पिछड़ा वर्ग वगैरह आरक्षण दिए ग्राम पंचायत और नगर निकाय का चुनाव कराया था। वहीं 2015 में भाजपा ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण लागू कराने का काम किया और राजद के समर्थन वर्ग जो उस समय अति पिछड़ा समाज को दबाते थे और परेशान करते थे उनके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अति पिछड़ा समाज को एनडीए की पहली बिहार सरकार में देने का काम किया। आज के परिस्थिति के लिए महागठबंधन जिम्मेदार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर उसकी अवहेलना किया जिस कारण हाई कोर्ट ने स्थगन लगाकर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और पिछड़ा विरोधी चेहरा को सबके सामने नंगा करने का काम किया है। 4600 अति पिछड़ा उम्मीदवार के साथ सीधे धोखा दिया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नगर निकायों में चुनाव हो क्योंकि वे अपने चहेते नवरत्न अफसरों द्वारा लूट खसोट कर सकें। भाजपा इस धरना के माध्यम से नीतीश कुमार के इस साजिश का विरोध करती है और अति पिछड़ों के अधिकारों के पक्ष में यह मांग है कि संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के तहत नगर निकाय चुनाव को यथाशीघ्र संपन्न कराने की मांग करते हुए यदि जल्द चुनाव नहीं कराया गया तो सड़क से सदन तक भाजपा आंदोलन करेगी। धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी ने किया। धरना के अंत में जिलाधिकारी भोजपुर को मुख्यमंत्री के नाम स्मारक पत्र सौंपा गया। इस धरना में अल्पसंख्या मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी, नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया, सूर्यभान सिंह, निवर्तमान आरा नगर निगम के मेयर रूबी तिवारी, हरेंद्र पांडे, विजय सिंह, संतोष पांडे, दीपक सिंह, नवीन प्रकाश, रमेश सिन्हा, करण जी, हैप्पी तिवारी, रॉबिन कुशवाहा, संजय सिंह, रानू चौरसिया, मनीष गुप्ता, सुगम सहाय, प्रियांशु दीवान, विजय सिंह, दिनेश सिंह, शिव कुमार सिंह, अरुण सिन्हा, राजकुमार कुशवाहा, अशोक सिंह, जयंत सिंह, उमा शंकर सिंह उर्फ मिठाईलाल, लड्डू पासवान, अभय चौधरी, नीरज चौधरी, रंग बहादुर यादव, रंजीत सिंह, इंद्रभान सिंह, रवि रंजन सिंह, वरुण सिंह, पिंटू तिवारी, मुजम्मिल खान, बलजीत सिंह आदि मौजूद थे। जैसा कि आप देख लीजिए आज अल्पसंख्यक मोर्चा में लोग कहते मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन आज देख लीजिए मुसलमानों की आबादी इतनी है। भारतीय जनता पार्टी कोविड का खंड देते हैं और किसी पार्टी किसी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भी जान चुके हैं। यही एक पार्टी जो मुसलमान हित में जो देश हित में और जो राष्ट्र हित में काम करने वाली एक पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। तो मैं नीतीश कुमार जी से वही आग्रह करना चाहूँगा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को बचाओ और चुनाव कराओ का काम करें। शुक्रिया। देखिए ये धरने की आवश्यकता तो नहीं थी और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शहरी निकायों के चुनाव जिसकी शुरुआत हो चुकी थी उसकी प्रक्रिया मुकम्मल रूप से शुरू हो गई थी। 10 और 20 अक्टूबर को यह चुनाव संपन्न हो जाने वाला था। और सारी निकायों के चुनाव के बाद आगे फिर विकास का मार्ग प्रशस्त होता
लेकिन नीतीश कुमार जी के जिद के कारण और एक प्रकार से कहा जाए तो हठधर्मिता जो उनके स्वभाव में शामिल है ऐसा नहीं हो सका। आज नगर निकायों के चुनाव अधर्म में हैं और जाहिर है कि भविष्य में शहरों का विकास बुरी तरह से प्रभावित होगा क्योंकि भारत सरकार से मिलने वाली राशि बगैर चुनाव की नहीं मिलेगी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शहरी निकायों में जो अपनी सरकार होती है वह सरकार भी नहीं रहेगी तो सारा प्रशासन और शहरी निकायों का देखभाल का सारा काम नौकरशाहों के हाथ में चला जाएगा। जाहिर है नौकरशाह जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती, वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उनके अंदर संवेदनाओं का भी अभाव होता है और वो जनता के उन जरूरी सवालों को उनकी जरूरतों को शिद्दत के साथ महसूस नहीं करते तो उसका प्रभाव भी जनता के ऊपर पड़ता है। बहरहाल नीतीश कुमार जी ने केवल एक छोटा राजनीतिक लाभ के लिए और उन्होंने जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है जिसका खामियाजा पूरा राज्य भोगने के लिए अभिशप्त है, विवश है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और हम धरना पर इसीलिए बैठे हैं। इस धरना से यह संदेश जाए जनता के बीच भी और सरकार को भी कि हम शीघ्र शहरी निकायों का चुनाव चाहते हैं और ये सरासर सरकार की गलती है, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही गलती है। जब चुनाव होना था तो 1.5 साल पहले और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे तो उसके निर्देशों का पालन किए बिना चुनाव की घोषणा क्यों हुई? इन मामलों को उनके अधिकारी उनके समक्ष क्यों नहीं लाए? और ये बड़ी तज्जुब की बात है कि इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति को भी यह मालूम नहीं था या उन्होंने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनदेखी किया? ऐसा संभव नहीं है। न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन यह मान्य नहीं है और आज उसी का प्रतिफल है यह चुनाव रोक दिया गया। और एक और विशेषता, केवल 3 स्थानों पर ही चुनाव प्रभावित हो रहा था, पिछड़ा और पिछड़े का, अति पिछड़ों का आरक्षण, और उन 3 स्थानों को रोक करके शेष चुनाव कराए जा सकते थे, यह भी नहीं किया। इन तीनों का मामला सुलझा करके आगे इन तीनों का चुनाव करवा दिया जाता, ऐसा भी निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव रद्द कर देना ये एक प्रकार की तानाशाही है और ऐसा व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने पेश कर रहा है, देश इसे देख रहा है। बिहार में जो यह घटित घटना है इसकी चर्चा सारे देश में है और सारे देश में इस राज्य के मुख्यमंत्री के इस गलत निर्णय को
उसकी लोगों ने निंदा की है, भर्त्सना की है। नीतीश कुमार जी की साख बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी है। हम इस धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि शीघ्र चुनाव कराए जाएं और पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण के मामले को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और सब कुछ ठीक करते हुए यथाशीघ्र चुनाव हो और उस मामले को जितना जल्दी सुलझाया जाए, उसी में जनता का हित है और इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक दिवसीय जो धरना हम लोग रखे हैं, इसमें यही कहना चाहेंगे सरकार से कि चुनाव जो है जल्द से जल्द कराए, क्योंकि सारे विकास का जो कार्य है रुका हुआ है और सभी जो भी खड़े हुए हैं, जितने लोग मेयर से पार्षद से जो भी खड़े हुए हैं विकास के लिए ही, शहर को विकास के लिए ही खड़े हुए हैं, और विकास में जो रुकावट है वो सरकार का अहम भूमिका निभा रहे हैं सरकार, तो इस रुकावट को खत्म करते हुए जल्द से चुनाव का घोषणा करें। अंतिम चरण में ये चुनाव स्थगित हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने काफी प्रचार प्रसार किया, तो अब किस तरीके से आप लोग फिर से मेहनत करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, क्या कुछ चल रहा है बताएंगे? हम शुरू से ही जनसंपर्क में रहे और शुरू से जनता के साथ रहे हैं, तो जनता के साथ अभी भी है और जनसंपर्क मेरा अभी भी चलता रह रहा है, और ये कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, बस यही मेरी मांग। अभी फिलहाल शहर की विधि व्यवस्था किसके जिम्मे है देख रेख करने की? प्रशासन के जिम्मे है। क्या लगता है कि अब तो त्यौहार का सीजन आ रहा है, लोक आस्था का महापर्व छठ, उसमें क्या स्थिति रहेगा इस तरीके से? जिस तरीके से प्रशासन देख रही है सब स्थिति अच्छा ही रहना चाहिए।